नई दुनिया, मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। प्लीज हमें आज होने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबसे फिर से मिलकर खुशी हुई। आइए आज के सत्र की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। बसंत दौड़ता हुआ अपनी स्कूल की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, परीक्षा की पहली घंटी बजी। उसने जल्दबाजी में अपनी किताब के अंदर परीक्षा का हॉल टिकट ढूंढा, पर उसे वह नहीं मिला। दूसरी घंटी भी बज गई। वह पसीने से तर बतर हो रहा था। वह परीक्षा कक्ष की तरफ भागने लगा। भागते भागते वह अपनी किताब के पन्ने पलट रहा था। जैसे ही वह परीक्षा के कमरे तक पहुंचा, उसका टिकट किताब से निकलकर नीचे गिरा। उसने चैन की सांस ली और तभी परीक्षा शुरू होने की आखिरी घंटी बजी। वह अपनी सीट पर जाकर बैठा। अध्यापक ने उसे प्रश्न पत्र दिया। जब उसने प्रश्न पढ़ने शुरू किए, तो उसे पता चला कि यह तो विज्ञान का पर्चा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और पेट में मरोड़ आने लगे। उसने ऊंची आवाज में पूछा, क्या आज गणित की परीक्षा नहीं है? जब उसने अपने अगल बगल देखा, तो उसे पता चला कि वह परीक्षा कक्ष में नहीं है, बल्कि अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। तब उसे एहसास हुआ कि वह तो एक सपना देख रहा था। उसे बड़ी राहत मिली और वह पानी पीकर वापस सो गया। क्या आपको भी परीक्षा के बारे में ऐसे सपने आते हैं? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने डरावने सपनों के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। आमतौर पर सभी लोगों को परीक्षा से तनाव होता है और वे इसके बारे में चिंतित रहते हैं। अच्छे से अच्छे छात्र को भी परीक्षा से पहले थोड़ी घबराहट होती है, खास तौर पर बोर्ड की परीक्षा से पहले। इस तरह की घबराहट और तनाव को दूर करने के लिए उचित कदम उठाना आवश्यक है। इस बात को हमें गंभीरता से समझना चाहिए। इस सत्र में हम इस बात पर ध्यान देंगे कि परीक्षा की तैयारी सही तरीके से कैसे की जाए। पर इससे पहले हमें यह समझना होगा कि परीक्षा क्यों होती है। क्या हम देखें कि परीक्षा लेने के महत्वपूर्ण कारण क्या हैं और उनकी सूची बनाएं? धन्यवाद। क्या हम परीक्षा होने के मुख्य कारणों के बारे में चर्चा करें? परीक्षा क्यों होती है? ताकि हम अपने ज्ञान को जांच सकें, ताकि दूसरे लोग हमारे ज्ञान को जांच सकें। यह जांचने के लिए कि हमारी क्षमता के अनुसार हम अगले चरण या पद पर जाने योग्य हैं या नहीं। परीक्षा से कई नकारात्मक भावनाएं जुड़ी होती है, डर, चिंता, घबराहट, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा इत्यादि। पर हमारे जीवन में परीक्षा का बहुत महत्व होता है। आइए अब परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देते हैं। परीक्षा की तैयारी को हम चार चरणों में बांट सकते हैं। ये हैं सामान्य तैयारी, किसी परीक्षा के पहले का दिन,
परीक्षा का दिन, परीक्षा के बाद। सबसे पहले सत्र में हम पहले दो चरणों के बारे में बात करेंगे और अगले सत्र में हम अगले दो चरणों के बारे में बात करेंगे। पहले आपके लिए एक प्रश्न है, आप और आपके साथियों को जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुना गया है। यह प्रतियोगिता अगले महीने होने वाली है। आप इसकी तैयारी कब से करेंगे? जिस दिन से हमें चुना गया था उस दिन से, प्रतियोगिता के 3 दिन पहले, प्रतियोगिता के 1 दिन पहले। आप जिस दिन चुने गए थे उस दिन से ही तैयारी शुरू कर देंगे, है ना? तभी तो आप ठीक से तैयारी कर पाएंगे। 1 दिन या 3 दिन पहले शुरू करने से आप पूरी तरह तैयारी नहीं कर पाएंगे, सही है ना? इसी तरह परीक्षा के 1 दिन या कुछ दिन पहले पढ़ाई शुरू करने से आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। परीक्षा की तैयारी समय से पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। आपने कबड्डी प्रतियोगिता के लिए अभ्यास शुरू कर दिया है। आप अभ्यास के दौरान क्या करेंगे? आप किन किन बातों पर ध्यान देंगे? आप कौन से तरीके अपनाएंगे? आइए एक शब्द पहेली के द्वारा इनके बारे में जानने की कोशिश करें। कुछ शब्द या वाक्यांश आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, पर उन शब्दों के अक्षरों का क्रम बदल दिया गया है। आपको उन अक्षरों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाने होंगे। आपने जो प्रयास किया उसके लिए धन्यवाद। क्या हम सही उत्तर देखें? नियमित अभ्यास, उत्साह, धीरे धीरे सुधार लाना, कमियों को दूर करना। परीक्षा की तैयारी करने के लिए और परीक्षा अच्छी तरह देने के लिए आपको इन सब की जरूरत पड़ती है ना? दूसरे शब्दों में कहें तो आप नियमित अभ्यास करेंगे, आप उत्साह से काम करेंगे, आप अपनी योग्यताओं को धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करेंगे और आप अपनी कमियों को दूर करना चाहेंगे, सही है ना? आपको ये सब परीक्षा की तैयारी के लिए भी करना है। परीक्षा की तैयारी करते समय हमें नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए, उत्साह और दृढ़ता से पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़कर, समझकर और अभ्यास करके धीरे धीरे अपनी योग्यताओं को सुधारना चाहिए। असफलता के कारणों को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें दूर करने पर काम करना चाहिए। अगली मुख्य बात है समय सारणी, मतलब कि टाइम टेबल के अनुसार काम करना। आइए एक परिस्थिति के द्वारा इस बात के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। राधा के पास 5 विषय हैं: अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक ज्ञान। परीक्षा की तैयारी के लिए उसे 20 दिनों की छुट्टी मिली है। उसे अंग्रेजी और सामाजिक ज्ञान ज्यादा कठिन लगते हैं और बाकी 3 विषयों में उसे कोई परेशानी नहीं है। उसने एक टाइम टेबल बनाया है जिसमें उसने प्रत्येक विषय के लिए 4 दिन रखे हैं। राधा की बड़ी बहन ने टाइम टेबल बनाने के लिए उसकी सराहना की, पर उसने उसमें कुछ कमियां भी बताई और उसे सलाह दी। क्या आप दोनों स्वेच्छा से राधा और उसकी बहन के बीच बातचीत का
अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा था। कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले एक स्पष्ट योजना बना लेनी चाहिए, खास तौर पे पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी के लिए। आप किसी जगह घूमने जाने से पहले क्या करते हैं? आप इन बातों के बारे में सोचते हैं। कहाँ जाना चाहिए, कितनी देर के लिए जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, वहां क्या कर सकते हैं इत्यादि, है ना? क्या आप दोनों स्वेच्छा से इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको अभिनय द्वारा यह दिखाना है कि किसी जगह घूमने जाने के लिए आप योजना किस तरह बनाएंगे। धन्यवाद, बहुत अच्छा था। टाइम टेबल बनाने से हमारी तैयारी में थोड़ा अनुशासन आता है और हम व्यवस्थित भी हो जाते हैं। इसलिए हमें राधा की सराहना करनी चाहिए कि उसने एक टाइम टेबल बनाया, पर इसे एक और नजरिए से देखें तो उसने प्रत्येक विषय के लिए उचित समय नहीं दिया। उसे अंग्रेजी और सामाजिक ज्ञान के लिए ज्यादा समय रखना चाहिए क्योंकि उसे वे ज्यादा कठिन लगते हैं। सारे विषय महत्वपूर्ण होते हैं, पर हमें अपनी कमियों और गुणों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। राधा अंग्रेजी और सामाजिक ज्ञान के लिए 5.5 दिन रख सकती थी और अन्य विषयों के लिए 3-3 दिन। यह केवल एक सुझाव है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुविधा के अनुसार सही निर्णय लेना चाहिए। हमें प्रत्येक विषय के लिए उचित समय ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल बनाना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप का समय है। कल्पना कीजिए कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको 20 दिन की छुट्टी दी गई है। अपनी सुविधा के अनुसार आप प्रत्येक विषय के लिए कितना समय रखेंगे? क्या आप खुद के लिए एक टाइम टेबल बना सकते हैं? कृपया यह काम व्यक्तिगत तौर पर करें। बहुत अच्छा था, धन्यवाद। यह बात याद रखिए कि टाइम टेबल सबको बनाना चाहिए, लेकिन इसे बनाते वक्त हमें अपनी कमियों और अपने गुणों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें इस तरह से अपनी पढ़ाई का समय तय करना चाहिए कि हम अपनी कमियों पर ज्यादा ध्यान दे सकें। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। कमल और अजय बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने के तरीके के बारे में बातें कर रहे हैं। कमल को लगता है कि किसी भी विषय के लिए अच्छी तरह पढ़ाई करना ही काफी है। अजय को लगता है कि केवल पढ़ाई करना काफी नहीं है। उसे लगता है कि प्रश्न पत्र का नमूना या पैटर्न पता होना भी जरूरी है। क्या आप दोनों स्वेच्छा से इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। कमल की राय कुछ हद तक सही है, पर अजय की राय बिल्कुल सही है। अगर हमें पता हो कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, तो हम परीक्षा के दौरान अपने समय का उचित उपयोग कर सकते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए यह आवश्यक है कि हमें पता हो कि अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का हल करने के लिए कितना समय लग सकता है। इससे प्रश्न पत्र को पूरा करने में मदद मिलती है। पर केवल प्रश्न पत्र का पैटर्न पता होना काफी नहीं है, पूरी पढ़ाई करना भी उतना ही आवश्यक है। हमें पाठ्यक्रम अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए,
और प्रश्न पत्र का पैटर्न भी ठीक से जान लेना चाहिए। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप करें? परीक्षा की तैयारी करते समय इन बातों को सुनिश्चित करना चाहिए। नियमित रूप से पढ़ाई करना, साह और दृढ़ता से पढ़ना, धीरे धीरे अपनी योग्यताओं को सुधारना, कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना, उचित टाइम टेबल बनाना, प्रश्न पत्र का पैटर्न जानना। नमस्ते छात्रों, आप सब कैसे हैं? पिछले सत्र में हमने सीखा था कि परीक्षा की तैयारी करते समय इन बातों को सुनिश्चित करना चाहिए। नियमित रूप से पढ़ाई करना, उत्साह और दृढ़ता से पढ़ना, धीरे धीरे अपनी योग्यताओं को सुधारना, कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना, उचित टाइम टेबल बनाना, प्रश्न पत्र का पैटर्न जानना। क्या हम इस सत्र की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करें? आप किसी परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे? क्या आप सारे पाठ एक बार पढ़ लेंगे या आप सारे पाठ रटना शुरू कर देंगे, या फिर आप केवल वे पाठ पढ़ेंगे जिनमें आपको कठिनाई हो? सारे पाठ एक बार पढ़ना, सारे पाठ रटना शुरू कर देना, केवल वो पाठ पढ़ना जो आपको कठिन लगते हो। सारी बातें रटने से और केवल कठिन पाठ पढ़ने से हम पूरी तैयारी नहीं कर सकते। ये तरीके सही नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि ऐसा करने से हम सारे महत्वपूर्ण भाग ठीक से समझ जाए। पूरे पाठ को फटाफट पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि पाठ में क्या क्या है। इससे हम जान पाते हैं कि वह पाठ किस बारे में है। परीक्षा की पूरी तैयारी करने के चरण: फटाफट पढ़ना। इसके बाद हमें ज्यादा ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। हमें सारी मुख्य बातें लिख लेनी चाहिए। हमें चिन्हांकित करना या हाईलाइट करना चाहिए। इससे हम परीक्षा के एक दिन पहले पाठ को फिर से फटाफट याद कर सकते हैं। परीक्षा की पूरी तैयारी करने के चरण: फटाफट पढ़ना, चिन्हांकित यानी हाईलाइट करना। इसके बाद अगर हम विषय के सारे पाठों का सार लिख लें, तो इसका अर्थ है कि हमने वह विषय अच्छी तरह समझ लिया है। परीक्षा की पूरी तैयारी करने के चरण: एक, फटाफट पढ़ना। दो, चिन्हांकित या हाईलाइट करना। तीन, सार संक्षेप करना। अगली चीज है खुद के लिए एक अभ्यास प्रश्न पत्र बनाना। हमें प्रश्न बनाकर खुद के ज्ञान को परखना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमें सारी बातें ठीक से समझ आ गई है या नहीं। खुद की परीक्षा लिए बिना हम यह नहीं जान सकते कि हमने ठीक से पढ़ाई की है या नहीं। इससे हम पूरी तैयारी कर पाएंगे और हमें पता चलेगा कि हमें क्या आता है और क्या नहीं। संपूर्णता से पढ़ाई करने से हम प्रश्न पत्र अच्छी तरह हल कर पाएंगे और हमें अच्छे अंक भी मिलेंगे। परीक्षा की पूरी तैयारी करने के चरण: एक,
फटाफट पढ़ना, दो चिनांकित या हाईलाइट करना, तीन सार संक्षेप करना, खुद की परीक्षा लेना। अब एक क्रियाकलाप का समय है। मेरे पास कागज की तीन पर्चियां हैं और प्रत्येक पर्ची पर एक निर्देश लिखा है। प्रत्येक विद्यार्थी को आगे आकर पर्ची में लिखा निर्देश मन से पढ़ना है और उसके अनुसार काम करना है। बाकी विद्यार्थियों को स्क्रीन पर दिखाया गया गद्यांश पढ़ना है। क्या हम शुरू करें? क्या आपने गद्यांश पढ़ लिया? क्या आप में से कोई दो छात्र यहाँ आकर दो वाक्यों में इसका सारांश बताना चाहेंगे? धन्यवाद। जब आप गद्यांश पढ़ रहे थे तब वे तीन विद्यार्थी क्या कर रहे थे? वे तालियां बजा रहे थे। वे क्लास में इधर उधर चल रहे थे। अगर आपने उन तीनों विद्यार्थियों पर ध्यान दिया तो आप गद्यांश पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए होंगे, है ना? हर व्यक्ति की ध्यान देने की क्षमता अलग होती है, पर कोई भी व्यक्ति किसी चीज पर निरंतर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। परीक्षा की तैयारी करते वक्त भी हमें इस बात को समझना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा समय तक पढ़ाई कर सके और पढ़ाई के बीच कोई रुकावट न आए। पर हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम बीच बीच में थोड़ा विराम लेते रहें, ताकि हमारे दिमाग में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहे। हमें बीच बीच में थोड़ा विराम लेना चाहिए। अब एक परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। प्रिया अपनी तैयारी में इतनी खोई हुई है कि वह हमेशा अपने कमरे में ही रहती है। समय बर्बाद ना हो इस वजह से वह खाना भी अपने कमरे में ही खाती है। उसे किसी भी बात से परेशानी ना हो इस वजह से वह अपने कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रखती है। यह देखकर उसकी माँ ने सोचा कि वह प्रिया से बात करेगी। प्रिया की माँ को प्रिया से क्या कहना चाहिए? क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया किया, धन्यवाद। प्रिया को पूरी गंभीरता के साथ परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, पर लंबे समय तक किसी बंद जगह में रहने से और ताजी हवा में न जाने से काम बिगड़ सकता है। उसे कुछ देर के लिए बाहर ताजी हवा में जाना चाहिए। इससे वह शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करेगी और वह पढ़ाई पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दे पाएगी। प्रिया की माँ ने भी उसे यही सलाह दी। परीक्षा की तैयारी करते समय हमें शरीर और दिमाग में ताजगी बनाए रखने के लिए पर्याप्त आराम करना चाहिए। आराम की कमी की वजह से क्या आपको कोई नकारात्मक परिणाम भुगतना पड़ा है? क्या आप में से कोई इस बारे में सबको बताना चाहेगा? धन्यवाद। आराम के बाद हमें खुद की देखरेख पर भी ध्यान देना चाहिए। नियमित और पर्याप्त नींद, सही मात्रा में पौष्टिक खाना, ये सब चीजें परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक है। यह सोचना बेवकूफी है कि खाना कम खाकर या फिर कम नींद लेकर हम ज्यादा देर तक पढ़ पाएंगे। ऐसा करने से हमारे शारीरिक और मानसिक विकास पर गलत असर पड़ सकता है।
हमें खुद की देखरेख अच्छी तरह करनी चाहिए, खाना, आराम इत्यादि। अब एक और परिस्थिति। सोनल अपनी परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त है। उसके पड़ोस में एक त्योहार की तैयारियां चल रही है। हर वक्त लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में गाने बजते रहते हैं। सोनल को बहुत तनाव हो रहा है क्योंकि शोर की वजह से वह पढ़ाई पूरी तरह से अच्छी तरह से ध्यान से नहीं कर पा रही है। उसकी सहेली सलमा ने उसे कहा कि वह उसके घर आकर पढ़ सकती है क्योंकि वहां बिल्कुल भी शोर नहीं है। क्या आप उन दोनों सहेलियों के बीच हुई बातचीत का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे आसपास का माहौल हमेशा शांत रहेगा ताकि हम पढ़ाई कर सके। कभी कभी हमारी राह में कुछ अनदेखी रुकावटें आ जाती है। ऐसे समय पर हमें किसी उचित जगह पर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम अच्छी तरह पढ़ सके। हमें पढ़ने के लिए सही जगह चुननी चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। हम अपने खाली समय का उपयोग अच्छी तरह कैसे कर सकते हैं? हम उस समय की बात कर रहे हैं जब हम पढ़ाई नहीं कर रहे होते। क्या हम एक क्रियाकलाप के द्वारा देखें कि खाली समय में क्या किया जा सकता है? आपको चित्रों द्वारा कुछ संकेत दिए जाएंगे और आपको सही जवाब पहचानने हैं। बधाई हो, आपने बहुत अच्छी तरह बताया। खाली समय में करने वाले कुछ काम, कुछ देर तक पैदल चलना, व्यायाम या कसरत, दोस्तों या परिवार वालों से बातें करना, रचनात्मक कार्य, संगीत, कुछ देर के लिए हमें कुछ रोचक काम करने चाहिए ताकि हमारे दिमाग को आराम मिले। उदाहरण के लिए थोड़ी दूर चलना, मनपसंद गाने या फिर संगीत सुनना, योग करना, दोस्तों से बातें करना, ऐसे दोस्त जो पढ़ाई में व्यस्त ना हो, कुछ रचनात्मक काम करना, परिवार के लोगों से बातें करना, कोई मजेदार पहेली हल करने से भी दिमाग में ताजगी आ जाती है और हम पढ़ाई जारी रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर हमें सतर्क रहना चाहिए कि ये सब कुछ देर के लिए ही किया जाए। हमें ऐसे काम लंबे समय के लिए नहीं करने चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य है पढ़ाई करना। अब तक हमने देखा है कि पढ़ाई की तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अब हम यह देखेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब आपके लिए एक प्रश्न है। आमतौर पर आपको विज्ञान में अच्छे अंक मिलते हैं। वार्षिक परीक्षा में आप विज्ञान के पर्चे से पहले क्या करेंगे और क्यों? विज्ञान की तैयारी उसी तरह करूंगा या करूंगी जैसे मैं अन्य विषयों की तैयारी करता या करती हूं। मैं सोचूंगा या सोचूंगी, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है, इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं सोचूंगा या सोचूंगी, विज्ञान पर ज्यादा ध्यान देना समय की बर्बादी है। अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है, इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और विज्ञान पर ज्यादा ध्यान देना समय की बर्बादी है।
इन जवाबों में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास झलकता है। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। अति विश्वास के कारण ऐसा हो सकता है कि आमतौर हमें जितने अंक मिलते हैं उससे भी कम अंक मिले। हमेशा अच्छे अंक प्राप्त हो उसके लिए यह जरूरी है कि हम सारे विषयों की तैयारी पूरा मन लगाकर करें। इसीलिए आत्मविश्वास होना सही है, पर परीक्षा के दौरान अति विश्वास नहीं होना चाहिए। कल आपकी सामाजिक ज्ञान की परीक्षा है। आपने सारे पाठ अच्छी तरह समझ लिए हैं। आपको केवल विश्व के मानचित्र के बारे में कुछ बातें देखनी है। आप क्या करेंगे? मैं सोचूंगा या सोचूंगी, केवल विश्व का मानचित्र ही तो है, मैं कल भी देख सकता या सकती हूँ। मैं उस भाग को भी अच्छी तरह समझ लूंगा या लूंगी। मैं सोचूंगा या सोचूंगी, मैं स्कूल पहुंचने के बाद भी उसे देख सकता या सकती हूँ। ऐसा सोचना, केवल विश्व का मानचित्र ही तो है, मैं कल भी देख सकता या सकती हूँ, या मैं स्कूल पहुंचने के बाद भी उसे देख सकता या सकती हूँ, उचित नहीं है। अगर किसी कारणवश आपको घर पर या अगले दिन स्कूल में समय ना मिले, तो आप शायद उस विषय पर पूछे गए प्रश्न अच्छी तरह हल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई ठोस वजह ना हो तो कोई भी काम टालना नहीं चाहिए। हमें पढ़ाई से संबंधित कोई भी काम टालना नहीं चाहिए। अब एक और प्रश्न। अब तक 4 परीक्षाएं हो चुकी है। आप आखिरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपके हाथ में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। आप क्या करेंगे? मैं प्राथमिक उपचार करूंगा या करूंगी, ताकि यह तकलीफ और ना बढ़े। मैं यह सोचकर घबराने लगूंगा या लगूंगी कि शायद मैं कल की परीक्षा नहीं लिख पाऊंगा या पाऊंगी। मैं इस सोच में पड़ जाऊंगी कि यह दर्द किस वजह से हो रहा है। दर्द के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं हो सकता। इसी तरह उसके बारे में सोचकर घबराने से कुछ हासिल नहीं होगा। इससे तो तनाव और बढ़ता है। प्राथमिक उपचार करना ही उचित होता है, ताकि वह समस्या और ना बढ़े। हमें परीक्षा से संबंधित डर और घबराहट को दूर रखना चाहिए। आप आमतौर पर सुबह 7 बजे उठते हैं। आपकी माँ ने आपको सुबह 5 बजे उठा दिया, ताकि आप परीक्षा के लिए पढ़ सके। आप क्या करेंगे? मैं मुंह धोकर पढ़ने बैठ जाऊंगा या जाऊंगी। मैं फिर से बिस्तर में जाकर सो जाऊंगा या जाऊंगी। मैं हाथ में एक किताब लेकर उसे अपने चेहरे के सामने रख लूंगा या लूंगी, और बैठे बैठे सो जाऊंगा या जाऊंगी। बिस्तर में जाकर फिर से सोना या फिर बैठे बैठे सोना आलस्य की निशानियां है। सही तो यह होगा कि आप मुंह धोकर पढ़ने लग जाए। हमें परीक्षा के समय आलस नहीं करना चाहिए। संक्षिप्त में कहें तो, हमें काम को टालना नहीं चाहिए, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास नहीं दिखाना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। अब तक हमने देखा कि परीक्षा के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे? क्या आप एक योजना बनाकर कक्षा में सबको बता सकते हैं? अपनी योजना के बारे में सबको बताने के लिए धन्यवाद।
क्या अब हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? परीक्षा की पूरी तैयारी करने के चरण, फटाफट पढ़ना, चिनांकित या फिर हाईलाइट करना, सार संक्षेप करना, खुद की परीक्षा लेना, खाली समय में करने वाले कुछ काम, कुछ दूर तक पैदल चलना, व्यायाम या कसरत, दोस्तों या परिवार वालों से बातें करना, रचनात्मक कार्य, संगीत। क्या नहीं करना चाहिए? काम को टालना नहीं चाहिए। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास नहीं दिखाना चाहिए। घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। आलस नहीं करना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।